बेल्जियम से एक सौदा किया जिसके जितना उन्होंने शीशा वेट में लिया है उतना हमने उनको वहाँ पे गोल्ड दिया है। इस पर देख पा रहे होंगे इस गेट के ऊपर गणेश जी विराजमान है और हमारे जो राजा हैं उन्होंने इस जो एंट्रेंस को है वो नाम भी दिया है, वो गणेश पोल नाम दिया हुआ है। तो जो कलर चेंजिंग एक्टिविटी आप एक पेंटिंग में देखे थे ना, बेसिकली ये 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई पेंटिंग है। ये बेसिकली एक पूरा टैंक है, इसके बीचों बीच में एक कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो जब आप नीचे आग जलाते थे तो ये कॉपर की प्लेट है वो हीट कर करके उस पानी को भी गर्म कर देती थी। गाइस हम लोग टेक्नोलॉजी में जो पहले था वो आज से कई गुना आगे थे। उसका एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है वो है आपको ये गीज़र। इस गीज़र की जो प्रोसेस है वो बताता हूँ मैं आपको। नीचे जो आप इसको एक डैप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी राइट, और ऊपर जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ऊपर जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये बेसिकली एक पूरा टैंक है, इसके बीचों बीच में एक कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो जब आप नीचे आग जलाते थे तो ये कॉपर की प्लेट है वो हीट कर करके उस पानी को भी गर्म कर देती थी, जिससे रानियां जो है वो गर्म पानी से स्नान कर पाती थी। उनके पीछे की तरफ, इसके जस्ट पीछे की तरफ रानियों के बाथरूम्स हैं, जकूजी बाद हैं, और उस तरफ उस वक्त भी रानियों की जो लेविशनी थी वो बहुत हाई लेवल की थी, वो हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। नाउ वी आर एंटर्ड द बाथरूम ऑफ रानी, जो रानियाँ हुआ करती थी यहाँ पे, वो यहाँ पे अपने चेंजिंग रूम के रूप में इसको, ये जो कमरा जो आप देख रहे हो ना इसको यूज़ किया करती थी, उनको कपड़े वपड़े यहाँ पे चेंज करने के लिए अलाउ था। उसके बाद में जब हम इसी छोटे दरवाजे से अंदर की तरफ जाएंगे ना तो ये बाथिंग एरिया है, यहाँ पे पानी के जो टैंक हैं वो आपके, जो मैंने आपको गीज़र दिखाया था नीचे की तरफ, तो ये कोल्ड वाटर के लिए है। और जो गीज़र वाला जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था वो ये पार्ट है, आप एक बार यहाँ पे आके देखेंगे तो वो जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा। रॉयल वाट टब जो कि रानियों के लिए स्पेशली बनाए थे राजा ने, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ सरफेस है राइट। ये पूरा वाट टब है जिसमें जो उस वक्त पानी के साथ में रोज़ की जो लीव्स होती थी वो, और जो परफ्यूम्स की कुछ बूंदें डाल करके और रानी को रहलाया जाता है। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं इनको पकड़ के ऊपर रानी एक दासी के हेल्प से और नीचे उतरा करती थी राइट, और फिर साइडों में अपनी जो दासियाँ बैठ के उनको स्नान करवाने का काम किया करती थी उस वक्त। जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये प्लम्बिंग सिस्टम है इस बाथ टब का, इससे पानी अंदर आया करता था। तो वो सब कुछ आज भी एज इट इज़ ऐसा ही है कि हमारे पास में वाटर स्टोरेज होते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम होता है, तो वो पहले से ही कैरी करते आ रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं किया है। गाइस हिंदू संस्कृति में हम गणेश जी भगवान को जो है वो प्रथम पूज्य मानते हैं, और यही वजह है कि हमारे कितने भी भवन हो, हमारी जो भी बिल्डिंग होती है ना उसकी एंट्रेंस के ऊपर हमेशा गणेश जी विराजमान होते हैं। तो जैसा कि आप इस ऊपर देख पा रहे होंगे इस गेट के ऊपर गणेश जी विराजमान है, और हमारे जो राजा है उन्होंने इस जो एंट्रेंस को है वो नाम भी दिया है, वो गणेश पोल नाम दिया हुआ है। और मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो पोल है वो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, इनको बेसिकली गेट्स कहा जाता है, दरवाजे कहा जाता है। गणेश पोल के ऊपर की तरफ जो आप झरोखे देख रहे हो, जो भी विंडो देख रहे हो ना, ये इसको सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता था, सुहाग मंदिर नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो रानी बैठ करके जब भी राजा कोई वॉर जीत करके आते थे तो उनका फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी अपनी दासियों के साथ में। जब हमने एंट्रेंस किया तो आपने बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखी होगी गेट के ऊपर, और जो टेरेस पे अभी हमने देखा, तो ये जो है ये वेजिटेबल कलर्स के थ्रू बनाई जाती है पेंटिंग, इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं हम। तो जो कलर चेंजिंग एक्टिविटी आप एक पेंटिंग में देखे थे ना, बेसिकली ये 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई पेंटिंग है। दैट्स वाई वी कैन शो द शाइनिंग ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ येलो कलर स्पेशली राइट। तो वो जो येलो कलर का जो बॉर्डर है वो 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है, और उसके लिक्विड फॉर्म में लेकर के फिर उसकी पेंटिंग की गई थी, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट
कलर का लुक देता है। नमूना है ये सुख मंदिर निवास। राजा जयसिंह जी, जो सवाई जयसिंह जी थे हमारे, उनके दो रानियां थी। उन्होंने दोनों ही रानियों की एक विश थी जो फुलफिल करने के लिए स्पेशली इस रूम का निर्माण करवाया। ये उनकी इच्छा ये थी कि वो बारिश जब आ रही हो तो राजा के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड कर सके और वो बारिश का भी आनंद ले सके। तो उन्होंने पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है और बीच में ये बैठने का उनका स्थान था। जब ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये उन्होंने ओपन रखा। ये ओपन रखने का रीज़न ये था जब बारिश आ रही होती तो वो यहाँ से प्रॉपरली उनको विजिबल रहे और वो उनका आनंद ले सके। जब आप अंदर की तरफ इधर चलेंगे भवन के अंदर तो एक संगमरमर का एक स्लैब बनाई हुई है, उसके ऊपर ऊपर पानी की जो टंकी से जुड़ा हुआ है वो ओपन नहर से, तो वो जो पानी अंदर झरने में बहकर आता था ना, तो उसके अंदर पानी का जो रूम का जो टेम्परेचर था वो डाउन हो जाता था और वो एसी का फील देता था। वो हम लोग आर्टिफिशियल एसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये राइड पालकी है। जो पालकी जो है वो दो तरह से होती है, एक तो वो होती है जो कंधे पे उठाई जाती है और ये है वो जो मूव कराई जाती थी व्हील्स के ऊपर। आप देखेंगे ना, अगर गौर करेंगे तो दो आयरन के व्हील है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दासियाँ थी वो ये हैंडल दिख रहे हैं आपके, इनसे पकड़ा करती थी। ये सैंडल वुड की बनी हुई पालकी है। पालकी प्लस जो ये हमारे जो गेट्स हैं, ये बेडरूम के जो गेट्स हैं, ये भी सैंडल वुड के बने हुए हैं और इनके ऊपर सोने और चांदी के वर्क का काम किया हुआ है। तो रानी जब किसी भी ओकेजन के ऊपर यहाँ से वहाँ कहीं जाना होता था तब इसका यूज़ किया जाता था। यूजुअली तो रानी फॉर्मल उसी में रहती थी, बट कोई ओकेजन होते थे, कुछ फेस्टिवल होते थे ना, तो उनको बहुत सारी ज्वेलरी वेयर करनी होती थी और उनके ऑब्वियसली जो उनकी जो पोशाकें थी, जो उनके वेयरिंग थे वो बहुत हैवी हुआ करते थे। उनके ऊपर भी सोने और चांदी के वर्क हुआ करते थे। तो दोनों को मिला करके, ज्वेलरी और पोशाक को मिला करके कभी करीब 20-30 kg उनका वेट हुआ करता था, प्लस रानी का वेट। तो ऑब्वियसली जब चलने में दिक्कत होगी तो उनको इस चीज़ की हेल्प लेनी होती थी। गाइस, टेक्नोलॉजी जो थी वो उस वक्त से चली आ रही है। उसका एक अगेन एग्जांपल जो हमने पहले आपको गीज़र में आपको दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको जो है वो एसी दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है वो समर रेजिडेंसिंग के लिए हुआ था, रानी और राजा का बेडरूम हुआ करता था। तो आप जो आप नीचे जो मार्बल की स्लैब देख रहे हैं ना, तो इसकी जस्ट ऊपर एक पानी की टंकी है, वो ऊपर की तरफ जो है पहाड़ की जो कैनाल है उससे जुड़ी हुई है। बारिश का जो पानी आता था वो इस टैंक के थ्रू होते हुए इसके अंदर आया करता था। और साइडों में जो विंडोज़ दी गई हैं वो पूरी ओपन साइड स्लाइडर हैं, जिससे कि हवा और पानी के मिक्सर के साथ में इस रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉमिनल रहता था। और ये पानी पूरा बहता हुआ यहाँ पर आया करता था और गार्डन के अंदर यूज़ हो जाया करता था। एसी के लिए जो कैनाल बनाई थी उसका यूज़ तो आपको बताई दिया मैंने, वो गार्डन में पानी जाने के लिए हुआ करता था। बट इस कैनाल के ऊपर रानी का झूला बांधा गया था। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 4 hooks हैं और hooks के जस्ट बीचों बीच में एक मिरर भी है। तो जब रानी यहाँ पर झूला झूलती थी तो वो ऊपर मिरर के अंदर अपने आप को देख करके थोड़ा सा प्राउड कर लेती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। गाइज, आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो ना, ये सैंडल वुड का बना हुआ गेट है और इसके ऊपर जो वर्क किया गया है ना वो एलिफेंट टीथ का वर्क है। पीछे बेसिकली जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये एलिफेंट टीथ है। उसके बाद में एक मेटल और कुछ छोटे छोटे जो रत्न हुआ करते थे उनका, जो सेमी पीछे स्टोन्स होते थे वो इसमें यूज़ किया गया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो हमारे जयपुर का जो नक्शा है, जो ब्लू प्रिंट है ना, ये यहाँ पे इसको हमने वहाँ पे इस आर्ट के अंदर उतारा है।
जयपुर का जो नक्शा है। और जयपुर जो है गाइज मतलब दुनिया की पहली प्लान सिटी भी कहा जाता है, जो कि पहले कागज़ों में बनी थी, उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, राइट। इन जो आप देखो सुख मंदिर देखा आपने, इसके जस्ट सामने की तरफ एक मुगल गार्डन डेवलप किया हुआ है, बहुत ही सुंदर इसका आर्ट जो है। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ जयपुर की जो मैप है उससे भी मैच करती हैं। लोग दीवाने आम के बारे में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि दीवाने आम में जो है वो लोकल पब्लिक जो है अपनी कंप्लेंट्स लेकर के आया करती थी। अब जो है हम महल के थर्ड कोर्टयार्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो थर्ड कोर्टयार्ड को दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। अब जो खास वर्ड है वो आप समझ सकते हैं कि खास किन के लिए होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हमारे खास लोगों में से आते हैं। तो जो राजा है वो अपने प्रिय मित्रों से और रानियों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए इस जगह का यूज़ किया करते थे। इसको लोग दीवाने खास भी बोलते हैं। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसको 1621 में स्टार्ट किया था बनाना, और जब रानियों ने इच्छा जाहिर की, बेल्जियम से एक सौदा किया जिसके जितना उन्होंने शीशा वेट में लिया है उतना हमने उनको वहाँ पे गोल्ड दिया है इसके बदले में, राइट। तो हमने बहुत सारा शीशा वेट में लिया और उस शीशे को यहाँ पे दीवारों के अंदर नक्काशी के रूप में काम में लिया। जो बाहर की तरफ आउटर एरिया है उसमें हमने जो वर्क है इसका 10 टाइम वर्क जो है वो राजा के बेडरूम के अंदर की तरफ है। तो वहाँ पे जब कैंडल्स जलती हैं तो हमको अंधेरे के अंदर जो ऊपर की तरफ जो है ना वो लाखों करोड़ों कैंडल्स हमको उस वक्त दिखाई देती हैं। तो टूरिस्ट ने कुछ डैमेज किया है वहाँ पे पार्ट को, तो वो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने उसको बंद किया हुआ है ताकि उसको हम लोग सही सके इन फ्यूचर आप लोगों के लिए। दीवाने खास के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बेडरूम है, दो रानियां थी, दो बेडरूम है और एक डाइनिंग हॉल है। और अब जो आप पीछे की तरह आप देख रहे हो, जो गणेश पोल के ऊपर हमने सुहाग मंदिर देखा था ना, ये वो आप देख पा रहे हो। अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो एक कारपेट जो अपने पालकी जो नहीं होती है उसकी स्टाइल में इसको बनाया गया है। सो गेस्ट, ये हमारा फोर्थ एंड फाइनल कोर्ट यार्ड है जो कि मानसिंह जी ने अपने निगरानी में पूरा बनवाया था इसको। मानसिंह जी की 12 शादियां हुई थी। 12 शादियां करने का एक बेसिकल रीज़न भी ये था कि जो मानसिंह जी थे उनके जो दरबारी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उनको उनके भविष्य को, उनकी लाइफ को डेंजर देखते हुए उनको एक एडवाइस करी थी कि आपको 12 डिफरेंट राशियों की मतलब महिलाओं से शादी करनी होगी, तब जाके आपको ये जो मतलब डेंजर है ये इसको कंट्रोल कर पाएगा, जो हमारे ग्रह दशा हो जो होती है ना वो उसको बेटर कर पाएगा। तो उन्होंने 12 शादियां करी, 12 रानियों के अपने 12 अपार्टमेंट बनवाए, सेम साइज़ सेम सब कुछ उस तरह से बनवाया। बस एक जो ये यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये रानी जो है वो पटरानी हुआ करती थी। पटरानी का मतलब मेन रानी, जो बड़ी रानी हुआ करती थी, जिनका जो बेटा है वो आगे जा कर के राजा बनना होता था। तो उनके यहाँ पे उनको बाथ टब अवेलेबल कराया, बाकी और बाकी किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ बाथ टब यही मिलेगा आपको। उसके बाद में जब हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे तो ये सीढ़ियाँ जो है वो मानसिंह जी यूज़ किया करते थे। हर अपार्टमेंट में इस तरह से स्टेज उतर रही हैं आने के लिए। हम लोग अपार्टमेंट के एक फर्स्ट कॉर्नर पे हैं। फर्स्ट कॉर्नर पे जो हम राजा ने दिया हुआ है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार 1 BHK अपार्टमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो है वो किचन का स्टोर रूम है, जहाँ पे किचन का और नॉर्मल सामान यहाँ पे रखा जाता था। ये जो एरिया है, ये जो सर्वेंट्स होती थी, मेड्स होती थी,
वो आपस में बैठने के लिए या फिर किचन के जो काम्स होते थे, चाहे वो मसाले कूटना होता, चाहे वो कुछ भी करना होता, तो वो उसके लिए ये एरिया यूज़ करती थी। मसाले कूटने के लिए एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था, एक लकड़ी के या फिर एक पत्थर के हत्थे से वो यहाँ पे मसाले कूटा करती थी। इसके बाद में हम जो एरिया देखेंगे, ये किचन है बेसिकली, तो ये इस तरफ जो है ये किचन का एरिया है पूरा। तो ऊपर जो किचन के लिए वेंटिलेशन दिया हुआ है ऊपर, तो जितना भी जो एग्जॉस्ट होता है, जितना भी धुआं होता था, वो सारा का सारा वेंटिलेशन के थ्रू ऊपर चला जाया करता था। अब जब हम लोग इधर आएंगे तो ये दासी के रहने के लिए स्थान था, यहाँ पे दासी निवास करती थी। और पीछे की तरफ जो है आपके यहाँ पे रानी के लिए जो चेंजिंग रूम और उनका ड्रेसिंग रूम दिया हुआ है। फिर हम लोग जो मेन पोर्च में जब आएंगे तो यहाँ पे रानी का बेडरूम और उनका पर्सनल पोर्च दिया हुआ है, जहाँ पे वो बैठ करके राजा के साथ में बातें कर सके। और ये उनका बेडरूम हुआ करता था, ये रानी का पूरा बेडरूम है। और ऊपर जो आप जो हुक्स देख रहे हैं ना, इनके अंदर आर्टिफिशियल फैन लगे होते थे जो कपड़े से बनाए होते थे। दासियाँ उनको जो रस्सियाँ होती थी उसकी सहायता से उसको हिलाया करती थी, और जब रानी आराम कर रहा होती थी तो उनको हवा का वो फ्लो करती थी, जिससे कि रानी को गर्मी का एहसास ना हो। जो मानसिंह निवास में पहला अपार्टमेंट है, जब हम लोग फर्स्ट कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं, उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो आप पैलेस देख रहे हो ना, संगमरमर के जो गेट्स बने हुए हैं, ये मानसिंह जी का निवास था, मानसिंह जी का पैलेस था ये। और उन्होंने हर अपार्टमेंट में उतरने के लिए हर अपार्टमेंट में एक सीढ़ी उतारी हुई है, राइट। तो जब सीढ़ी स्टेज या हर अपार्टमेंट में उतरी है ये सीढ़ियाँ। और ऊपर जो इनके जो कोर्टयार्ड के अंदर हुक्स दिख रहे हैं आपको, इन हुक्स के अंदर कर्टेन लगाया जाता था, पर्दे लगाए जाते थे, ताकि किसी को पता ना लगे कि जो मानसिंह जी जो राजा हैं वो कहाँ पे वॉक कर रहे हैं, राइट, भाई किसके पास जा रहे हैं किसके पास नहीं जा रहे। ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी भी रानी को ना मिल पाए, इसके लिए उन्होंने ये टेक्निक उस वक्त यूज़ की थी। गाइस, हमने जब मानसिंह महल में प्रवेश किया था तो पहला जो अपार्टमेंट देखा था उसके जस्ट सामने की तरफ जो गेट है उससे होते हुए हम लोग अभी जनाना ड्यूडी पहुँच चुके हैं, राइट। ये फोर्थ एंड फाइनल कोर्टयार्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। और ये जो एरिया है, जब हमने शीश महल जो दीवाने आम खास था उसके बाद में जो एरिया है, यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं हुआ करते थे किसी भी कंडीशन में, ओनली राजा और जो है रानियाँ वो निवास करती थी, प्लस उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी वो, और थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स जो है, ऊपर की तरफ आप जो देखेंगे ना, ये आपको छोटे छोटे टावर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स है वो हर तरफ आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पे ट्रांसजेंडर खड़े होकर के निगरानी किया करते थे कि किसी भी कोई मैन अगर वॉकिंग कर रहा हो पैलेस में तो उनको रोका जा सके, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो लोग यहाँ पे काम किया करते थे। और राजा के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे कि इस एरिया में कोई भी मैन नहीं आए, और जो भी है वो रानियों से जो कॉमन, जब उनको एक साथ बातें करनी होती थी, वैसे तो अपार्टमेंट में वो इंडिविजुअली कर लेते थे, अगर एक साथ कुछ बातें करनी होती थी, कोई ओकेजन मनाना होता था उनके साथ में, तो वो इस जगह का यूज़ लिया करते थे। इसको बारादरी कहते हैं हम लोग। जिस तरह से हमने 27 कचहरी देखी, राइट, जिस तरह से हमने ये बारादरी का निर्माण किया हुआ है, इसमें 12 पोर्शन है बैठने के लिए, तो बीच में जो है राजा और पटरानी बैठा करते थे, और बाकी की जो 11 रानियां हैं वो उनके चारों तरफ उनको घेर के बैठा करती थी। इस तरह से उनकी कॉमन जो है मीटिंग हुआ करती थी,